अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आप लोगों को वेज कबाब बनाना बता रहे हैं। तो हमने कटहल ली है यानी जैक फ्रूट और उसको बॉईल कर लिया है। एक बाउल हमने जैक फ्रूट लिया होगा, ये 250 ग्राम होगा। उसको बॉईल करके उसकी सीटें निकाल ली हैं और उसका हमने इस तरीके से मिक्सी जार में डाल दिया। अब क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे वो भी आपको बताते चलते हैं। तो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, ये मदर का है और अच्छा होता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये कोरिएंडर ली है, ओनियन ली है और ग्रीन चिलियाँ ली है। उसके बाद आपने मिक्सी जार में सबसे पहले हमने यहाँ पर शामिल करना है अपनी फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया, 1/2 ओनियन, 1 ग्रीन चिली। और उसके बाद हमने यहाँ पर शामिल किया है चने का आटा, भुना हुआ चना था उसको पीस कर आपने यहाँ पर 5 टी स्पून के बराबर शामिल करना है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स है तो हम 1 टी स्पून के बराबर यहाँ पर इसी जार में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हमने ग्रीन चिली शामिल किए तो 1/2 रेड चिली 1/2 टी स्पून, पिंचेस ऑफ टर्मरिक, धनिया का पाउडर और ये कोई भी सब्जी मसाला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 1/2 टी स्पून हमने सब्जी मसाला यहाँ पर शामिल किया, कुटी हुई मिर्ची 1/2 टी स्पून शामिल करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर सॉल्ट टू टेस्ट शामिल करना है। सभी चीज़ों को हमने मिक्सी जार में शामिल कर लिया और अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट्स ही आपने मिक्स करना है, इसके से रहने देना है कटहल के, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मिक्स हो गए हैं, उसके बाद हमने इसको पॉट पर रख लिया। हाथ को आपको ग्रीस कर लेना है और इसकी छोटी छोटी, जितना भी आपको बड़ा छोटा जैसा भी बनाना हो, उसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो इस तरीके से हाथ में लेना है और अच्छी तरीके से ये अच्छे से बन जाती है। अगर आपको सूखा लगे, वैसे हमने ओनियन और अदरक लहसुन का पेस्ट सब डाला है ना, तो वो अच्छे से पीस गया था। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा हल्का सा वाटर डालकर भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो फिर आप देख के हाथ रोक के पानी ऐड करके उसको सर्व कर लें। उसे देखिए हमने बना ली है टिक्कियाँ और पैन पर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद आपने अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। बहुत आसान रेसिपी है और अच्छी बनती है वेज कबाब आपके, और ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।